जैव तथा समस्याएं के पाठ थे उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है जो परीक्षाओं में परीक्षा उपयोगी हैं, उनकी मैं आपको बोलता हूँ, आप उन्हें जल्दी जल्दी लिखते चले जाएं। बाद में यदि आप नहीं लिख सकते तो उनको बाद में वीडियो के द्वारा देख कर लिख लें और उनकी तैयारी करें, उनके नोट्स बनाएं। जिन बच्चों को क्वेश्चन पाने में मिलने में कोई दिक्कत है तो वो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चनों के लिए आपको हेल्पलाइन या क्लू दूंगा कि वो पार्ट में कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहला एक नंबर के प्रश्न हम इसमें देखेंगे, बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है भाई, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटकों की भूमिका लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटकों की भूमिका लिखिए, क्योंकि एक नंबर का है, केवल एक ही पॉइंट में आपको बता देना है कि क्या इंपॉर्टेंट भूमिका है। क्वेश्चन नंबर दो, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा को बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष आता है, किसी एक की भी पूछी जा सकती है और तीनों की भी पूछ सकता है, तो एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है एक नंबर में, इकोटोन क्या है, व्हाट इज इकोटोन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी सी परिभाषा है, टर्म्स एक लाइन की भी नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि 5-7 शब्दों में इसको परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चार, दो कोल्ड ब्लडेड यानी दो ऐसे जंतु जो समतापी होते हैं उनके उदाहरण दीजिए, यानी जिनका रक्त वातावरण के रक्त तापमान के साथ साथ बढ़ता है, रक्त का तापमान वातावरण के तापमान के साथ साथ बढ़ता और घटता है, उन्हें हम समतापी जंतु कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, नागफनी के मरुद्भिद अनुकूलन लिखिए, मरुद्भिद जीरोफाइट्स एडेप्टेशंस नागफनी के, तो एक क्योंकि एक नंबर का है तो एक लिखेंगे आप, उसमें भी आपको एक नंबर मिलेगा और वो बहुत आसान है। नागफनी में जब आप ढूंढेंगे मिलेंगे, मैं क्लू भी दे चुका हूं इसका आपको, तो लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छह, जरायुजी अंकुरण किसे कहते हैं, यह किस पौधे में पाया जाता है, जरायुजी अंकुरण पितृस्थ अंकुरण भी इसे कहा जाता है, तो ये किन पौधों में पाया जाता है और किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये दो नंबर का क्वेश्चन बनता है लेकिन कभी कभी एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, दो नंबर का तो है ही, क्योंकि अंकुरण किसे कहते हैं और किन पौधों में पाया जाता है, उदाहरण भी है और परिभाषा भी है, तो इसको हम दो नंबर में दो नंबर की तरह से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन है, ऋणात्मक श्वसन मूल किन पौधों में पाई जाती है, नेगेटिव रेस्पिरेटरी रूट्स किन पौधों में पाई जाती है, और बड़ा अच्छा उदाहरण है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल के विरुद्ध निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक श्वसन मूल कहते हैं। और आठवां क्वेश्चन है भाई, दो कीट भक्षी पौधों के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम लिखिए जो अपना भोजन कीटों के द्वारा ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, मानव आंत्र में पाए जाने वाले दो परजीवियों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। मानव आंत्र में सैकड़ों परजीवी पाए जाते हैं लेकिन केवल दो के जंतु वैज्ञानिक नाम उसने पूछे हैं, उनके आप बता दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवन पादपों का एक उदाहरण दीजिए, सहजीवन पादपों का एक उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से नौ प्रश्न इसमें एक नंबर के हमने आपके लिए चूज किए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन हो सकता है कि वो अनइम्पोर्टेंट हो हमारी नजरों में और वो परीक्षा में प्राय नहीं आते, तो इन्हें आप लेंगे तो इनमें से जरूर आपको परीक्षा में मिलेगा। दूसरा है, दो नंबर के और तीन नंबर के प्रश्न बीच में है, तो दो नंबर के प्रश्न है, बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, प्रश्न नंबर दो, पर्यावरण कारक किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए, पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं और इनके नाम, यानी दो तो मुख्य हैं जैविक और अजैविक, फिर उनके सब नाम आप दे देंगे, अजैविक में कौन कौन से हैं और जैविक में कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर तीन, ऊंचाई तुंगता या एल्टीट्यूड इफेक्ट किसे कहा जाता है, इसको परिभाषित कीजिए, ऊंचाई तुंगता का प्रभाव क्या है, इसके दो लक्षण लिखिए। परिभाषित करके दो लक्षण लिखने हैं तो एक नंबर में लक्षण और एक नंबर में परिभाषा हो जाती है। सहजीवन सिम्बायोसिस पर टिप्पणी लिखिए, सहजीवन क्या है, कितने प्रकार का होता है, अभी हमने डिस्क्राइब किया है इसे पिछली वीडियो में ही, तो आप उसको सारा लेके पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तीन नंबर का क्वेश्चन भी बनता है क्योंकि तीन भाग हैं इसके, तो तीन भाग तीन नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, आप तीन नंबर के हिसाब से तैयार करेंगे तो दो नंबर का आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजीविता
तथा परजीविता को स्पष्ट कीजिए। प्रतिजीविता और परजीविता को स्पष्ट कीजिए, दोनों में डिफरेंस एक एक भी लिख देंगे आप तो एक एक नंबर तो आ ही जाएगा, और दो दो लिखेंगे क्योंकि दो नंबर का है तो दो दो आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है परजीवी तथा मृतोपजीवी में अंतर लिखिए, पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स में, यानी जो मरे हुए सड़ेगले पदार्थों पर पाए जाते हैं और जो जीवित पदार्थों पर उगते हैं उनमें डिफरेंस पूछा गया है, तो जो हमने बता दिया एक तो अभी क्लू में ही हमने बता दिया है, तो आप चार लिखेंगे दो नंबर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मरुद्विधि पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलनों को लिखिए। मरुद्विधि पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलनों को लिखिए, जीरोफाइट्स प्लांट की जो एडेप्टेशंस हैं उनको पूछ रहा है, और ये प्रश्न आपका एक नंबर में, दो नंबर में, तीन नंबर में, पांच नंबर में, तो पांच नंबर का आप तैयार करेंगे लगभग 250-300 वर्ड्स में तो आपके सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। एक नंबर में एक स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, दो नंबर में दो या चार कमेंट्स लिखेंगे, तीन नंबर में छह, तो इस तरह से जो पांच नंबर का प्रश्न है वो 20 का पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, मैनग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीन नंबर में, और एक क्वेश्चन इसका पांच नंबर में भी बनता है जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया भी है कि मरुद्विधि पौधों की आंतरिक और बाह्य आकारिकी को विस्तार से समझाइए, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कौन कौन से अंतर उसमें हो सकते हैं वो आप विस्तार से लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये इस क्वेश्चनों को करने से आपको जो आने वाला प्रश्न पत्र है 2021 में जो आएंगे उसके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने दे दिए हैं, तो आप इन्हें तैयार करेंगे नोट्स के रूप में और वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, देखते रहेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप, मैं लगभग रोज एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो आप निश्चिंत रहें आपका पूरा कोर्स आने वाले समय में करा दिया जाएगा। धन्यवाद। अगले टर्म्स में अगली इसी यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ दोबारा धन्यवाद।